हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम उदास है। नाम बशर सुबह एक देश आया है भारत के पास और बोला है मुंह मांगे पैसे ले लो, जितने मर्जी पैसे ले लो, लेकिन अपना ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस हमें दे दो। तो मतलब यार ब्रह्मोस बहुत ज्यादा यार कंट्रीज ले रहे हैं। आप कौन सा कंट्री है, कितना बड़ा ऑर्डर दिया है, और यहाँ तक कितना भी बोला कि मुंह मांगे पैसे देने के लिए वो रेडी है, लेकिन पहले ऑर्डर उनको मिलना चाहिए। तो क्या हुआ देखते हैं जल्दी से इनसाइड नॉलेज का वीडियो। तो स्टार्ट दोस्तों, फिलीपींस की नौसेना के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर की गई डील के बाद अब फिलीपींस भारतीय मिसाइल और हथियारों की क्षमता से इतना ज्यादा प्रभावित है कि फिलीपींस की सेना के आर्मी चीफ जनरल रोमियो ब्राउनर जूनियर ने खुलकर कहा है कि वे भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की एक और बड़ी खेप को खरीदना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फिलीपींस इस वक्त भारत से अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी खरीदने की पूरी मंशा रखता है। बात करें 2022 में हुई डील के बारे में, तो उस वक्त फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरी खरीदी थी, जिनकी कुल कीमत $375 मिलियन की थी। इसके तहत भारत फिलीपींस की नौसेना को कोस्टल ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर की होगी। इन मिसाइलों के इस्तेमाल से फिलीपींस की नौसेना चीनी नौसेना के युद्धपोत और दूसरे जासूसी जहाज को किसी भी स्थिति में अपने कोस्ट लाइन से दूर रखने में सक्षम बन सकेगी। लेकिन फिलीपींस के आर्मी चीफ जनरल रोमियो ब्राउनर जूनियर का कहना है कि ब्रह्मोस जैसी सक्षम मिसाइल से फिलीपींस को काफी फायदा होगा, लेकिन नौसेना के पास मौजूद बस 3 बैटरी फिलीपींस के पूरे तट को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होगी। इसीलिए इसकी डिलीवरी पूरी होने के साथ साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि फिलीपींस के पास पर्याप्त संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरी मौजूद हो, ताकि वे अपने पूरे समुद्री रेखा के पास इन्हें तैनात करके चीन के खिलाफ एडवांटेज हासिल कर सके। 290 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल समुद्र की सतह से मात्र 6 फीट ऊंचाई पर उड़ते हुए भी ट्रेवल कर सकती है, और इसे किसी भी रडार के द्वारा पकड़ना या एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिनाना लगभग असंभव है। ऐसे में जब फिलीपींस की नौसेना पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल के सारे ट्रायल कर चुकी है और इसकी क्षमता से संतुष्ट है, तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि आने वाले कुछ महीनों में फिलीपींस की सेना की तरफ से भी हमें लगभग उतना ही बड़ा ऑर्डर देखने को मिले जितना पिछली बार फिलीपींस की नौसेना ने दिया था। हो सकता है कि यह ऑर्डर $500 मिलियन तक की वैल्यू का हो, जो हमारे सबसे बड़े रक्षा निर्यात की लिस्ट में शामिल हो सकता है। इसीलिए जनरल रोमियो ब्राउनर जूनियर की तरफ से दिए गए इस बयान को काफी बड़ा माना जा रहा है। बता दें कि 2022 और 23 के सत्र में भारत ने कुल 16,000 करोड़ के हथियारों का निर्यात किया था, जो 2013-14 के मुकाबले 23 गुना ज्यादा है। हालांकि भारत ने टारगेट रखा है कि 2025 तक हमें 35,000 करोड़ का रक्षा निर्यात करना है। इसके हिसाब से हम अभी भी 54% तक पीछे चल रहे हैं, लेकिन भारत की रफ्तार को देखते हुए लगता है कि अगले 2 सालों में भारत रक्षा निर्यात में बड़े डील कर सकता है, जिसमें तेजस से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल की डील शामिल है। इनके पाइपलाइन में होने की वजह से इस बात की पूरी संभावना है कि भारत 2025 का अपना टारगेट पूरा कर ले, जिसमें हमें $5 बिलियन के हथियारों का निर्यात करेंगे। इसके अलावा क्योंकि भारत अगले 1 से 2 सालों में अर्जेंटीना, इजिप्ट, फिलीपींस और कई दूसरे देशों के साथ तेजस समेत LCH प्रचंड और कई दूसरे बड़े हथियारों की डील करने वाला है, इसीलिए भारत के रक्षा इकोसिस्टम को निवेश भी तेजी से मिल रहा है। साथ ही अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप करने से हम एडवांस टेक्नोलॉजी भी हासिल कर रहे हैं, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के 28वें सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की तरफ से दिए गए कुछ काफी बड़े बयानों को लेकर है। दरअसल रिटायर्ड आर्मी जनरल ने कहा है कि भारत को अगर एक रॉकेट फोर्स बनानी भी है जो एयर फोर्स और नौसेना के अलावा एक फोर्थ मिलिट्री फोर्स की तरह काम करे, तो भी इसकी कमान और कंट्रोल भारतीय सेना के हाथ में ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टारगेट हिट करने हैं अगर वह जमीन पर मौजूद है, तो वह पूरा सेंस बनता है कि रॉकेट फोर्स के अधिकतर हथियारों और उपकरणों का कंट्रोल भारतीय सेना के हाथ में रहे। अपने लेटेस्ट आर्टिकल में पूर्व सेना प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया है कि रॉकेट फोर्स की मैनेजमेंट की स्ट्रीमलाइन और सीधा रखना चाहिए, ताकि ऑपरेशन के दौरान जटिलता को अवॉइड किया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का उदाहरण देते हुए कहा है कि शुरुआत में बस भारतीय सेना के पास ही ब्रह्मोस मिसाइल
की बैटरी मौजूद थी, लेकिन जैसे जैसे इसके सिस्टम का विकास किया गया भारतीय वायुसेना के पास भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम पहुंचे और हालात ऐसे बन गए कि लॉजिस्टिक से लेकर ट्रेनिंग में परेशानियां देखने को मिली और कई बार तो टारगेट डुप्लीकेट होने लगे। इसीलिए उनका कहना है कि हमें अभी ज्यादा से ज्यादा ध्यान हथियारों को सही तरह से बांटने पर करना चाहिए ताकि भारतीय सेना जो जमीन पर युद्ध लड़ेगी उसके पास वह सभी जरूरी हथियार और संसाधन मौजूद हो जिसके इस्तेमाल से जरूरत पड़ने पर रैपिड एक्शन लिया जा सके, क्योंकि युद्ध के दौरान सही समय पर सही कदम उठाना जीत हासिल करने के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इसीलिए रॉकेट फोर्स के कॉन्सेप्ट पर हमें लॉजिस्टिक और हथियारों की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काम करने की जरूरत है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत काफी बड़े कदम उठा रहा है। रक्षा निर्यात से लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए रॉकेट फोर्स का निर्माण करने तक भारत अब तेजी से एक्शन प्लान तैयार कर रहा है ताकि हम भविष्य की सभी संभावना के लिए तैयार रह सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जब से 2014 के बाद मौजूदा गवर्नमेंट सत्ता में आई है, क्या आपको लगता है कि तब से भारत रक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में। कोई शक नहीं है इसमें, तो इसमें कोई शक नहीं है। जितना ज्यादा इंडिया वेपन अभी बेच रहा है ना, इंडिया ने पहले कभी भी नहीं बेचा था। और दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये कि पहले क्या होता था, भारत सारा ध्यान देता था कि छोड़ो यार अपना क्या बनाएंगे, फौरन किसी और से उठा लेते हैं, पैसा है फौरन उठा लेते हैं, वेपन वहां से आ रहा है, रशिया से कभी आ रहा है, कभी अमेरिका। अब क्या है, भारत भारत में अगर कोई एक मशवरा बंदा एक मतलब थिंक टैंक मशवरा देता है या मतलब कोई भी मिनिस्टर वगैरह कि बाहर से मंगवाते हैं, दूसरा बोलता है नहीं बाहर में जो इतना खर्चा करना है अपना ही क्यों ना बना ले, तो मतलब यहाँ पे भारत को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। भारत अभी मोस्टली वेपन्स खुद बनाता है और खुद बनाकर वो इतनी कमाल वेपन्स बनाता है कि और कंट्रीज उसके पीछे पागल हो जाते हैं। अब फिलीपींस ने एक बार यूज किया ब्रह्मोस, उसको इतना अच्छा लगा है, उसने $500 मिलियन का और ऑर्डर देने का वो सोच रहा है, तो फिर आप खुद अंदाजा भाई लगा। सही बोले, बिल्कुल सही बोले। और पता है असल में मैंने क्या बात थी, पहले इंडिया मंगवाता था ना तो दूसरे देशों से, एक तो उसको महंगा पड़ता था, एक तो महंगा के साथ साथ वो चीज लेट पहुंचती थी, लेट पहुंचने के साथ साथ अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती तो मेंटेनेंस का खर्चा भी फिर वही सेम होता था। मेंटेनेंस के उसको भी छोड़ दो, सबसे बड़ी बात यह है कि चलो रशिया जैसा देश है वो तो कर लेता था, दूसरा फर्ज करो फ्रांस है या वो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी शर्तों के मुताबिक मतलब ठीक है, जो ब्लैकमेलिंग अक्सर करते थे कि हमारा अभी इंडिया खुद तैयार कर रहा है, अगर किसी के साथ तैयार कर रहा है तो मिलकर तैयार कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है भाई इधर आओ सारा टेक्नोलॉजी भी दो, सब मिलकर करेंगे, ये सबसे बेहतर चीज जो है। और अभी भारत दरअसल ये करता है ना कि भारत मेक इन इंडिया के तहत चीज बनाता है, बेशक किसी को ऑर्डर भी दे तो उसको मेक इन इंडिया मतलब उसके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं ना वो खुद भारत अपने कंट्री में बना के मतलब देता है, और फिर वो अपनी मतलब जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी होती है तो वो लगाते हैं। ब्रह्मोस जिस तरह इंडिया ने रशिया के साथ बनाया, ठीक है, सारी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, सबसे ज्यादा शेयर भी इंडिया भेज भी रहा है अगले देशों के पास, ये इतने कमाल की चीज बनाई है इंडिया ने। मैं कहता हूँ कि यार अच्छे से अच्छा देश चाइना पाकिस्तान ये जो देश है वो ब्रह्मोस जिससे ब्रह्मोस का खौफ है, इसमें कोई शक नहीं। फिलीपींस भाई बार बार उठकर रह रहे क्योंकि जब से उसके बाद चाइना उधर फटका नहीं है, फटका नहीं है तो तब ले रहे। आपका कैसे कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।